राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े में खुलासे के तहत कई ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जो फर्जी डिग्री लगाकर भर्ती में शामिल हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी की संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है, जिन्होंने अलग अलग राज्यों से फर्जी डिग्रियां तैयार करवाई और पीटीआई भर्ती में शामिल हुए। इस सभी अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड की ने चिन्हित किया है और बता दें कि इसी महीने पीटीआई भर्ती का परिणाम भी जारी होने जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है, कुछ संदिग्ध यूनिवर्सिटीज के भी नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में गहनता से जाँच कराई जा रही है और इसके अलावा संबंधित विभाग को भी अवगत कराया जाएगा। आप ये केवल जो रिकॉर्ड होता है शैक्षणिक विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और इन्फॉर्मेशन, इन कई तथ्यों के आधार पर आता है कि इन्होंने ये बिना वहाँ स्टडी किए कि पीटीआई का जो कोर्स होता है फिजिकली होता है वहाँ पर रहने के साल दो साल जो भी इनका पीरियड होता है वहाँ रह के सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उसके बाद डिग्री दिया जाना संभव होता है। लेकिन अगर यदि वास्तव में ऐसे ही किसी विश्वविद्यालय ने दे दी हो और उन्होंने जो निर्धारित समय पर वो रैकेट न तो वो कोर्सेज किए हों, न फिजिकल एक्सरसाइजेज की हों, न ही वो उस प्रकार से रेगुलर उन्होंने स्टडी की हो, तो ये संभावना बनती है फर्जी डिग्री। उधर जयपुर